सोलन के वेंकटेश्वर विद्यापीठ संस्थान की छात्रा सुनैना ने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में 350 में से 278 अंक लेकर एचपी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, जिसके चलते संस्थान में खुशी की लहर देखी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार बीएड फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा प्रथम वर्ष में कुनिहार की बड़ला गांव की रहने वाली छात्रा सुनैना ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। सुनैना का अध्यापिका बनने का सपना है, जिसके लिए वे दिन रात कड़ी मेहनत कर रही हैं। यही कारण है कि आज वे अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल होने पर वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। संस्था पहुंचने पर प्रधानाचार्य सहित अध्यापकों ने सुनैना को बधाई और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान सुनैना ने कहा कि देश में जितने भी बड़े अधिकारी और कर्मचारी हैं, वे सभी अध्यापकों की बदौलत ही अपने मुकाम पर पहुंच पाए हैं। यही कारण है कि वे अध्यापिका बनना चाहती हैं और देश के विकास में योगदान देना चाहती हैं, ताकि जिस भी विद्यार्थी को वे पढ़ाए, वे देश का नाम रोशन करे और देश की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। मेरा नाम सुनैना है, मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और मैंने बीएड में एचपीयू यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया है, जिसमें मैंने 350 में से 278 नंबर लिए हैं। और मेरा उद्देश्य यानी कि मेरा एम टीचिंग टीचर बनना है। जैसे कि सभी को पता होता है कि एक टीचर बहुत सारे, जैसे इंजीनियर को भी एक टीचर पढ़ाता है, डॉक्टर को भी एक टीचर पढ़ाता है, तो मेरा एम यही रहेगा कि अगर मैं टीचर बनूं तो मतलब मैं अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स तैयार करूं। वेंकटेश्वर विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रंजनानंद ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सुनैना को बधाई देते हुए कहा कि संस्था के सभी अध्यापकों सहित विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। मेरा नाम सुनैना है, मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और मैंने बीएड में एचपीयू यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया है, जिसमें मैंने 350 में से 278 नंबर लिए हैं। और मेरा उद्देश्य यानी कि मेरा एम टीचिंग टीचर बनना है। जैसे कि सभी को पता होता है कि एक टीचर बहुत सारे, जैसे इंजीनियर को भी एक टीचर पढ़ाता है, डॉक्टर को भी एक टीचर पढ़ाता है, तो मेरा एम यही रहेगा कि अगर मैं टीचर बनूं तो मतलब मैं अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स तैयार करूं।